सब्सक्राइब करें पीकी साइबर प्लेनेट को और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। पीके साइबर प्लेनेट में आपका स्वागत। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। और देखिए एग्जाम के दृष्टिकोण से परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट। या देखिए अर्थमेटिक का जान, करीब करीब 5 चैप्टर परसेंटेज पर डिपेंड है अर्थमेटिक। आज हम आपको बताएंगे परसेंटेज। अब यहां देखिए परसेंटेज का जो साइन होता है ऐसे, ये परसेंटेज का क्या होता है जी? अब देखिए परसेंटेज का मतलब होता है 100 में किसी चीज का जो भाग होता है उसी को क्या बोलते हैं परसेंटेज। 100 में जो भाग होता है उसी को क्या बोलते हैं परसेंटेज। जैसे यहां पर देखिए 25/100 है, तो 100 में देखिए कितना भाग, 100 में 25, इसी को हम क्या बोलते हैं प्रतिशत। या हम कह सकते हैं जिसके हर में क्या हो, 100 हो, उसे हम क्या बोलते हैं प्रतिशत। और उसके अंश को हम क्या बोलते हैं प्रतिशत। अब देखिए यहाँ पर 25/100 है और इसके बटा में देखिए 100 है, तो इसे हम क्या कहेंगे परसेंटेज। इसके अंश को हम क्या कहेंगे प्रतिशत दर। अब यहां पर देखिए इस चैप्टर में एक आपका देखिए होता है परसेंटेज वैल्यू, एक होता है आपका फ्रैक्शनल वैल्यू। परसेंटेज को आप भिन्न में लिख सकते हैं, भिन्न को आप परसेंटेज में लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए हम आपको सारे क्वेश्चन फ्रैक्शनल वैल्यू से बताएंगे। अब यहां पर देखिए 100% है, 100% को हम कितना लिख सकते हैं भिन्न में, 1 लिख सकते, 1 लिख सकते। 50% है, 50% को हम क्या लिख सकते हैं 1/2। 50% को हम क्या लिख सकते हैं 1/2। अब यहां देखिए 33 सही 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं 1/3। 25% को हम क्या लिख सकते हैं 1/4। 20% को हम क्या लिख सकते हैं 1/5। 16 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं 1/6। 14 सही 2/7% को हम क्या लिख सकते हैं 1/7। 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं 1/8। अब यहां देखिए 11 सही 1/9% को हम क्या लिख सकते हैं 1/9। 10% को हम क्या लिख सकते हैं 1/10। 9 सही 1/11% को हम क्या लिख सकते हैं 1/11। 8 सही 1/3% को हम क्या लिख सकते हैं 1/12। 7 सही 9/13% को हम क्या लिख सकते हैं 1/13।
सात सही एक बटा सात को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा चौदह। छह सही दो बटा तीन परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा पंद्रह। छह सही एक बटा चार परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा सो। पांच सही पंद्रह बटा सत्रह परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा सत्रह। पांच सही पांच बटा नौ परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा अठारह। पांच सही पांच बटा उन्नीस परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा उन्नीस। पांच परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा बीस। साढ़े सैतीस परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, तीन बटा आठ। चार सही एक बटा छह परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा पच्चीस। तीन सही एक बटा तीन परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा तीस। ढाई परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, एक बटा चालीस। सत्तावन सही एक बटा सात परसेंट को हम लिख सकते हैं, चार बटा सात। चौवालीस सही चार बटा नौ को हम लिख सकते हैं, चार बटा नौ। अब यहां पर देखिए साढ़े बारह परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, पांच बटी। पचहत्तर परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, तीन बटा चार। अस्सी परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, दो बटा पांच। अब देखिए इस फ्रैक्शनल वैल्यू से हम सारे क्वेश्चन को हल करें। अब यहां देखिए सौ परसेंट है तो सौ परसेंट को फ्रैक्शनल में लिखेंगे कितना आएगा, वन आएगा। पचास परसेंट है तो कितना आएगा, एक बटा दो। तैतीस सही एक बटा तीन परसेंट है तो इसको फ्रैक्शनल में लिखेंगे तो कितना आएगा, एक बटा। अब देखिए सारे क्वेश्चन को आप फ्रैक्शनल वैल्यू से आप हल कर सकते हैं, चाहे परसेंटेज हो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस हो, चाहे सीआई हो, चाहे एसआई, सबको हम इसी फ्रैक्शनल वैल्यू से आपको क्या करवाएंगे, सॉल्व करवाएंगे ट्रिक के मार्केट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रैक्शनल वैल्यू। अब देखिए फ्रैक्शनल का यूज आप कैसे करेंगे, जैसे हम आपको बताएं 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा, एक बटा चार। अब देखिए जो यह चार है यह हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू या मूल संख्या या वास्तविक संख्या। अब देखिए 25% का मतलब क्या होता है, एक बटा चार। अब देखिए चार का 25% कितना होगा, एक होगा। चार का 25% आप निकालेंगे कितना होगा, जैसे यहां पर देखिए 20% है, 20% का मतलब क्या होता है, एक बटा पांच। अब देखिए जो मूल संख्या है पांच है और उसका 20% कितना होगा, एक। अब यहां देखिए जिसे 16 सही दो बटा तीन परसेंट है कितना है, एक बटा छह। अब देखिए जो मूल संख्या है हमारा कितना है, छह है, उसका 16 सही दो बटा तीन परसेंट कितना है, एक। अब यहां देखिए साढ़े सैतीस परसेंट
का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होगा? 3/8। मूल संख्या कितना है? 8 है। और उसका हम 37% निकालेंगे तो कितना है? 3। यह वैल्यू देखिए हमेशा मूल वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा कि वह वैल्यू मूल वैल्यू कितना है? 8 है और उसका 37% कितना है? 3। अब यहां पर हम आपको कन्वर्जन बताएंगे कि आप फ्रैक्शनल को अरे परसेंटेज को फ्रैक्शनल में आप कैसे परिवर्तित करेंगे। जैसे यहां पर देखिए एक सौ छह सही 2/3% आपको फ्रैक्शनल में कन्वर्ट। इसको आप कैसे कन्वर्ट? इसको आप देखिए दो भागों में बांटेंगे। यहां देखिए 100% और दूसरा देखिए 6/2/3%। अब देखिए 100% का मतलब क्या होता है? 1। और 6/2/3% का मतलब क्या होता है? 1/15। अब इसको आप फ्रैक्शनल में जोड़ दीजिए, 15 × 15 = 16। इसको आप भिन्न में बदलेंगे तो आपका कितना आएगा? 16/15। जैसे यहां पर देखिए 116 सही 2/3%। इसको भिन्न में बदलना है तो सबसे पहले आप इसको आप दो भाग में बांटेंगे। पहला देखिए 100% और दूसरा देखिए 16/2/3%। अब देखिए 100% को हम क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं और 16/2/3 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/6। अब इसको हम फ्रैक्शनल में बदल देंगे तो 6 × 6 = 7/6। अब यहां देखिए 466/2/3%। इसको भी हम देखिए दो भाग में बांटेंगे 400%। अब यहां पर देखिए ये कितना हो जाएगा? 4। अब देखिए 66/2/3% का जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है वह कितना होता है? 2/3। जैसे यहां पर देखिए 33/1/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 1/3। अब देखिए 66/2/3%। अब देखिए यह इसका दुगना है, यह इसका क्या है? दुगना है, इसको भी हम दुगना करेंगे तो 66/2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना हो जाएगा? 2/3 प्लस कर दें तो 3 × 12 = 12, 14/3। यह हमारा देखिए कन्वर्जन। बड़े फ्रैक्शनल को आप बड़े परसेंटेज को आप फ्रैक्शनल में आप कैसे बदलेंगे? आप ऐसे बदलेंगे, जैसे यहां पर 16/2/3% है, इसको आप दो भागों में बांटिए 100% 16/2/3%। 100% का मतलब होता है 1 और 16/2/3% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है? 1/6। 6 × 6 = 7/6। अब यहां पर देखिए 157/1/7%। इसको भी हम दो भाग में बांटेंगे। अब देखिए 100% 57/1/7, इसका देखिए हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा 4/7। 7 × 7 = 11/7। यदि हमारा यह ट्रिक आपको पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब।